जिसमिल प्यारे बच्चों आपकी उर्दू की क्लास में खुश आंदीद आज हम अपनी सबक नंबर दो का आ, पार्ट नंबर फोर हिस्सा नंबर चार पढ़ेंगे अच्छा लेक्चर नंबर सिक्स है तो आप लोग अपनी उर्दू की किताबें निकालें हाँ बच्चों सफ़ा नंबर तीन खोलें सफ़ा नंबर तीन हाँ बच्चों अच्छा बच्चों पहले ज़रा जो अपना प्रीवियस सबक़ है उसका ज़रा जायज़ा हो जाए ठीक है हाँ बच्चों तो कुछ याद है आप लोगों ने कि मोमी जो था आ, उसने तो मानी को बाग में जाने से रोका लेकिन मानी तो किसी की बात नहीं मान रहा था तो वो बाग आ, में जाने के लिए बाहर गया तो वो जब पहले रोड पर था तो क्या हुआ उसके साथ कुछ याद है आप लोगों को हाँ वो बहुत डर गया किस तरह वो डर गया पहले क्या हुआ हाँ एक गाड़ी तेज़ी से आई गाड़ी की शोर से मानी डर गया और जब वो पीछे को भागा तो पीछे दो शरीर बच्चे थे हाँ और वो जोर से चीखे और मानी की पीछे भागी और फिर इसके बाद क्या हुआ हाँ एक बड़ा सा कुत्ता भी मानी के पीछे भागा कुत्ता जोर से चीखा मानी डर के बारे ते, के मारे तेज़ भागा और घर आ गया Hmm, देखो कितनी मुश्किल उसको पेश आई जब उसने अपनी अम्मी और अपनी भाई की बात नहीं मानी अच्छा बच्चों अब हम और अपना जो थोड़ा सा सबक रहता है अब ये पढ़ेंगे ठीक है बच्चों इसमें कुछ ख़ास नए अल्फाज नहीं है ठीक है बस वही है लेकिन अब हम इसकी मश्क करेंगे ठीक है इसकी पढ़ाई करेंगे तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़े ठीक है बच्चों घर में मोमी अच्छा घर में कौन था मोमी घर में मोमी था मोमी को देखा तो मानी की जान में जान आई अब हाँ देखो जब मोमी ने मानी सॉरी मानी ने जब मोमी को देखा तो उसकी ज़रा जो उसकी जान में जान आ गई वो ज़रा सही हुआ क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था ना तो जब उसने अपनी भाई को देखा तो ज़रा जो है उसकी तबीयत ज़रा सही हो गई मोमी ने मानी को परेशान देखा तो बोला अब मोमी ने मानी को जब भी परेशान देखा तो उसको पता चल गया कि अब इसको कोई मसला पेश आया होगा देखा भाई मैंने बोला था ना अब इसको कह रहा है कि भाई मैंने आपको कहा नहीं था अम्मी की बात मान लो नहीं तो परेशान होगी अभी अपनी भाई को कह रहा है कि मैंने तो आपको कहा था कि आप अपनी अम्मी की बात मान लो वरना परेशान होगी तो ये देखो उसको कितनी ज़्यादा मसाइल जो है पेश आए मानी ने सोचा वो अम्मी की बात लाजमी मानेगा अच्छा अब इससे इसने जो इसको ये मसले पेश आए तो इसने इससे सबक हासिल किया कि अच्छा फिर अब नेक्स्ट टाइम के लिए वो अपनी अम्मी की बात मानेगा देखो ठीक है अच्छा देखे बच्चों घर में मोमिता घर में मोमिता मोमी को देखा तो मानी की जान में जान आई मोमी को देखा तो मानी की जान में जान आई मोमी ने मानी को परेशान देखा तो बोला देखा भाई मैंने बोला था ना अम्मी, अम्मी की बात मान लो नहीं तो परेशान होगे मानी ने सोचा मानी ने सोचा वो अमी की बात लाजमी मानेगा लाजमी मतलब जरूर मानेगा अच्छा बच्चों, अब इसमें जरा इमला के अल्फाज जो है वो आप लोग अंडरलाइन कर लो ठीक है ये तो पहले भी हुआ है लेकिन और प्रैक्टिस हो जाएगी गर गाप चश्मी ही री गर दे का दा काप चश्मी ही अलिफ देखा। परेशान पे रे ये शी आलिफ नून परेशान पे रे ये शी आलिफ़ नून परेशान और तो कुछ हाँ अब यहाँ पर लाजमी लाजमी ला, अलिफ जी मी छोटी लाजमी अच्छा बच्चों हो गया है अब एक दफ़ा दोबारा घर में मोमीता मोमी को देखा तो मानी की जान में जान आई मोमी ने मानी को परेशान देखा तो बोला देखा भाई मैंने बोला था ना अम्मी की बात मान लो नहीं तो परेशान होगे मानी ने सोचा वो अम्मी की बात लाजमी मानेगा अच्छा बच्चों अब हमने ये करना है कि ये कहानी तो ख़त्म हो गई है ना तो आपको अब सारी कहानी याद है बच्चों ना पहले क्या हुआ था सबसे पहले हाँ मानी की दो छोटे छोटे बच्चे थे एक का नाम था मोमी और दूसरे का नाम मान आ, मानी था मोमी बड़ा था और मानी छोटा था मोमी सीधा साधा था और मानी जो था वो बड़ा शरीर था हाँ मोमी की भी कोई बात नहीं मानता था और अपनी अम्मी की भी बात नहीं मानता था और बार बार अम्मी उसको कहती थी कि बेटा अम्मी की बात मानो और फिर एक रोज़ क्या हुआ हाँ बच्चों एक रोज़ मानो घर पर नहीं थी और मानी मोमी से बोला कि मोमी भाई आप बाग में जाते हैं और बाग में और बच्ची भी होती है वो सब खेलते हैं बड़ा मज़ा आता है लेकिन मम्मी ने उसको क्या कहा हाँ बच्चों मोमी ने उसको कहा कि नहीं भाई मैंने तो नहीं जाना क्योंकि अम्मी ने बाहर जाने से तो हमें रोका है तो इसलिए हमें अपनी अम्मी की बात माननी चाहिए लेकिन मानी तो किसी की बात मानने वाला नहीं था ना हाँ तो फिर क्या हुआ एक दिन क्या हुआ कि वो जब मानो घर पर नहीं थी हाँ तो फिर मम्मी मा, ने मानी को बाग में जाने से रोका पर मानी तो किसी की बात नहीं मानता था और उसने बस इरादा क्या हुआ था कि वो बाग में जाएगा जो कुछ भी हो तो जब वो बाग में जाने लगा तो रास्ते में क्या हुआ उसके साथ हाँ पहले रोड पर एक गाड़ी बहुत तेज़ी से आ गई तो उसकी शोर से मानी डर गया फिर क्या हुआ फिर दो शरीर बच्चे उसके पीछे लग गए तो वो उससे भाग रहा था जो तब जब वो भाग रहा था तो सामने से एक बड़ा सा कुत्ता भी मानी के पीछे भागा और कुत्ता ज़ोर से चीखा फिर मानी डरता हुआ तेज़ भागता हुआ घर आ गया हाँ तो जब उसने अपनी बाई को देखा तो उसकी जान में जान आ गई और मैं लेकिन इन सब से उसने एक सबक़ हासिल किया कि देखो जब मैंने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी तो ये मुश्किल पेश आई तो फिर उसने उसी वक्त से इरादा कर लिया कि वो अपनी अम्मी की बात ज़रूर मानेगा ठीक है बच्चों ये तो सारी कहानी का खुलासा मैंने आपको बता दिया अब आप लोगों ने क्या करना है हाँ बच्चों आप लोगों ने यह करना है कि ये अमला के अल्फाज भी याद करने हैं और ये कहानी जो है शरीर मानी की ये कहानी जो है आप लोगों ने ज़रूर या अपनी मदर को या अपनी अपनी अम्मी को या बहन भाई को किसी को ज़रूर सुनानी है सारी कहानी ज़ुबानी ठीक है बच्चों अपने अल्फाज में अच्छा बच्चों ये था आज का सबक फिर दूसरी क्लास में मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज़